ऐसा एक पर्सन, ऐसा एक व्यक्ति, ऐसा कोई न कोई एक शख्स होना जरूरी है और वो गुरु है। अब ऐसा मत समझना कि बापू तो है नहीं, अब बापू तो है नहीं, अब हम क्या करें। अरे बापूजी वो तत्व है, जब तक धरती चांद रहेगा बापूजी की तपस्या उनकी शक्ति आपके हमारे साथ में। भूल कहां पाएंगे बापूजी आपको, इतिहास का स्वर्णिम पैगाम है आप। बापूजी तो सत्य है, बापूजी तो नित्य है, बापूजी तो मुक्त है। मैंने पहली बार भोंडवा की कथा में कहा था कि लोग सनम दूसरे शब्दों में यूज करते हैं, सनम सच्चा अर्थ है सनम का। तो पिक्चर के कुछ लोगों ने हमारे भजन के अर्थ चोर लिए शब्द, तुझे देखा तो ये जाना सनम ने प्यार, ये हमारे शब्द चोर लिए भजनों के। हमारे ब्रह्मानंद स्वामी ने कहा सनम की प्यारी मोहिनी मूरत बसी बच दिल में मेरे। सनम शब्द का सच्चा अर्थ है जो सदा है, जो सत्य है, जो नित्य है और जो मुक्त है, उसी शख्स के लिए सनम शब्द लगता है। दूसरों के लिए लगाओगे धोखा खाओगे रोओगे। किसी को भी सनम बोल दिए कुछ दिन दो चार साल ठीक है, रोया करो फिर टूटा दिल रोया करो। गलत जगह शब्द यूज कर लिया, क्या करे अभी। मैं कह रहा था कि अपने जीवन में कोई एक व्यक्ति चाहिए, मालिक, एक मालिक चाहिए जीवन में। क्यों क्या होगा, हमारे जीवन में कोई मालिक रहा तो वो आपका और हमारा ख्याल रखेगा, वो आपका और हमारा ध्यान रखेगा। हम उत्तरकाशी गए थे बापू की कथा मुरारी बापू जी की सुनने, बहुत अच्छा एक दृष्टांत सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा, आपको भी अच्छा लगेगा। उत्तरकाशी का प्रसाद अच्छा बहुत प्यारा है। सुना है कि एक जंगल में एक चरवाहा गाय चराने के लिए जाता था, रोज गाय चराने के लिए जाता था। एक दिन एक शेर ने, जब वह चरवाहा शाम के समय गाय लेकर लौट रहा था, एक गाय चारा खाने कुछ रह गई पीछे। अकेली गाय देखकर शेर ने उस गाय का पीछा किया, उसको शिकार बनाने के लिए उसके पीछे भागा। अब गाय भी अपने प्राण बचाने के लिए भागी, अच्छा है समझने के लिए, गाय भी भागी, आगे आगे गाय, पीछे पीछे शेर। तुम्हारी भाषा में क्या बोलते शेर को, नहा मीन नहार, वो पी ले तो सही में शेर बन जाता हो बराबर में तो नहार मतलब क्या, अब पकड़ में आई बात 25 साल बाद। मीन नहार मतलब शेर, वो पीने के बाद वो भी शेर बन जाता है, शेर मतलब नहार। तो जंगल में नहार गाय के पीछे लगा, शेर गाय के पीछे लगा, आगे आगे गाय, पीछे पीछे शेर। और कथा आती है कि एक नदी थी थोड़ा सा दलदल जैसा, अब प्राण बचाने के लिए गाय ने उस दलदल में नदी में छलांग लगा दी। जल्दबाजी में प्राण संकट पड़े हो तब क्या, कहां ध्यान रखे नदी है कि नाला है। शेर पीछे लगा है, गाय ने उस दलदल में छलांग लगा दी। थोड़ी देर तक तो वो चली, उसके बाद दलदल तो दलदल होता है। न गाय को ध्यान रहा न शेर को ध्यान रहा, गाय ने छलांग लगाई, शेर ने भी छलांग लगा दी दलदल में। कुछ ज्यादा नहीं था लेकिन था दलदल। अब शेर और गाय के बीच में 6 फीट का अंतर। अब दलदल में शेर भी क्या करे, वो भी फंस गया, गाय भी। अब गाय शेर की तरफ देखकर हंस रही है। दृष्टांत है, समझना समझने के लिए अच्छा है। अब गाय शेर की तरफ देखकर हंस रही है, शेर तो क्रोधित कि मेरे शिकार बच गए, मेरे मुंह में से आते आते बच गए, वो तो क्रोधित। गाय हंस रही है, शेर क्रोधित है। शेर ने गाय को पूछा तू क्यों हंस रही है, अब दलदल में तू भी फंसी है, दलदल में मैं भी फंसा हूं, अब तो तेरा भी मरना तय और मेरा भी मरना तय, अब तू क्यों हंस रही है, अब तो तू
अब ये कोई हंसने का समय है। तब गाय ने हंसते हुए शेर को नाहर बाबा का जी पूछियो, शेर को पूछा गाय ने कि तेरा कोई मालिक है, तेरा कोई मालिक है? शेर ने कहा, मैं जंगल का राजा, मेरा कौन मालिक, मेरा कोई मालिक नहीं, मैं सबका बॉस हूं, मैं सबका मालिक हूं, मेरा कोई मालिक नहीं, मेरा कोई मालिक नहीं। बोले इसका पूछने का मतलब क्या है? शेर ने गाय को पूछा। तब गाय ने शेर को कहा कि तू जंगल का मालिक है, तेरा कोई मालिक नहीं, इसीलिए तू मरेगा, और मेरा कोई मालिक इसलिए मैं बचूंगी। बोले कैसे, कैसे? बोले मेरा मालिक है, मुझे एक चरवाहा चरवाने चराने आता है, मेरा गाय का मालिक है घर पर, वो जब घर जाएगा देखेगा तो लगेगा कि एक गाय कम हो गई, वो उस एक गाय को ढूंढते 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 यहाँ आएगा और वो मुझे बचाएगा। तेरा कोई मालिक नहीं है, कौन तेरी सुध लेने वाला है? जय हो। और हुआ हुआ, शाम को चरवाहा गाय लेकर घर गया, मकान मालिक ने देखी एक गाय कम। अब उसने सोचा चलो जंगल में शेर भी, चलो 10-5 लोग, चलो एक गाय रह गई अपने जंगल में। वो उसका मालिक 10-5 लोगों को लेकर आया। अब उस दलदल में गाय भी है, शेर भी है, और जैसे ही मालिक ने देखा कि मेरी एक गाय दलदल में फंस गई है, दल के सहयोग से उसने अपनी गाय को निकाल लिया। अब शेर को कौन निकाले? जिसका कोई मालिक नहीं होता, उसका कोई बचाने वाला भी नहीं होता, इसलिए एक मालिक होना बहुत जरूरी है। हम कितने भी ज्ञानी हो, हम कितने भी ध्यानी हो, हम कितने भी पैसे वाले हो, कितनी भी प्रतिष्ठा वाले हो, लेकिन अपना कोई एक मालिक चाहिए जो हमें संकट के समय बचा सके, और समर्थ मालिक परम सदगुरु है, जिस जो जहां जुड़ा है। मैं सिर्फ बापूजी की बात न करूं, जो जिसको गुरु बना रखे हैं, जो अपने श्रद्धा स्थान से जुड़े हैं, वो अपने मालिक के कहे में रहे, तो जीवन में जब अत्यंत संकट की स्थिति आएगी तब वो मालिक हमें जरूर बचाएगा। इसलिए धन्यवाद है उन लोगों को जिन्होंने अपने जीवन में किसी को गुरु बना लिया, धन्यवाद है उन लोगों को जिन्होंने अपने जीवन में किसी को मार्गदर्शक के तौर पर स्वीकार कर लिया। आज कथा के छठे दिन मैं प्रार्थना करूं कि जिन्होंने गुरु नहीं बनाया है, जिन्होंने अपने जीवन में किसी मालिक को स्वीकार नहीं किया है, तो गाय की भांति संकट से बचना है कि शेर की भांति दलदल में फंसकर मरना है, निर्णय आपके हाथ में। हमारे जीवन जिन्होंने गुरु बना रखा उनको धन्यवाद। कई लोग यहाँ अच्छी चीज जुड़े हैं, कोई राधा स्वामी से, कोई गायत्री परिवार से, कोई किधर किधर सब जुड़े, लेकिन जो लोग कहीं नहीं जुड़े हो, जिनका कोई मालिक नहीं है, मैंने शायद तीसरे चौथे दिन कहा था कि कुत्ते दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पालतू और दूसरा होता है फालतू। कुत्ते दो प्रकार के, एक होता है पालतू और दूसरा होता है फालतू। तो जब फालतू हो वो पालतू बन जाओ तो गले में पट्टे आ जाएगा, मालिक के अंडर में आ जाएंगे तो सब व्यवस्था होगी। पालतू रहोगे तो सब व्यवस्था रहोगी, और फालतू रहोगे तो इधर से डंडा खा, उसके घर उधर से डंडा खा, तीसरे के घर तीसरे से डंडा खा, चौथे के घर घुमा कर। तो माड़ा ले लो, कल श्रद्धे बाबा जी का आगमन होगा प्रारंभ में। तो जिन्हें गुरु बनाना है, हमारे परम सद्गुरु, हमारे बापू जी, जिन्हें चैतन्य साधक परिवार के प्यारे परिवार में प्रवेश पाना है, जहाँ कोई भेदभाव नहीं, जहाँ कोई अमीर गरीब नहीं, एक ही बात होती है कि जो परम सद्गुरु को व्यसन छोड़कर और फैशन छोड़कर, इस चैतन्य साधक परिवार में कोई दूसरी बात नहीं कि कोई फीस नहीं रखी है कि इतने पैसे नहीं, एक ही बात कि जो श्रद्धा लेकर, जो अपने जीवन से व्यसन छोड़कर, जो अपने जीवन से फैशन छोड़कर बापूजी के मार्ग में आना चाहता है, तो बापूजी दोनों दोनों हाथ फैलाकर उसे अपने लिए स्वीकार करने के लिए तैयार है। यह आदिवासी अंचल कहीं पूरा क्षेत्र करीब करीब बापूजी से जुड़ा है, ये पूरा क्षेत्र, फिर हमारा उधर बोरी दुलकोट, उधर पूरा भगवानपुरा तहसील का आपका शीर्ष
पिपल पार्टी और क्या है गाँव जो पूरा पूरे आदिवासी लोग जुड़े। अब मैं चाहता हूँ कि इस क्षेत्र के बहुत सारे लोग जुड़े हैं, लेकिन जो नहीं जुड़े हैं वो भी माला लेकर अपने गुरुदेव को मालिक बना लो। यदि नहीं मालिक बनाए तो नहार की बात ही मीन नहार करते कोई से दिन राम राम। इसलिए दरबार में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। परेशानी नहीं होती दरबार में सच्चे सतगुरु के दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। यहाँ सबको पिलाए जाते हैं जाम इबादत के। यहाँ सबको पिलाए जाते Thank you.
एक बार दरबार में बैठे सदगुरु के दोनों हाथ खोल दे, जिसको भी दो दो हाथ दिए उसको कह रहा हूँ, जिसको नहीं है उसको तो कह नहीं। हरी बोल। दुनिया के सताए लोग यहाँ